नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लाए हैं उत्तराखंड के 50 प्लस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन जनवरी 2022 से लेकर जून 2022, यानी पिछले 6 मंथ के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों आज हम आपके लाए हैं, ये मास्टर वीडियो होने वाली है करंट अफेयर्स 2022 की। और अगर आपको 2021 का संपूर्ण करंट अफेयर देखना है तो उस पर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने 100 प्लस महत्वपूर्ण 100 उत्तराखंड के करंट अफेयर्स क्वेश्चन पे वो वीडियो बनाई थी। आप सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2021, सबसे ऊपर वो वीडियो आ जाएगी जड़धारी क्लासेस की। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का जो ये PDF है विद आंसर, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चमोली जनपद के किस विकास खंड का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन आप दे सकते हो घाट, देवाल, नंदपुरिया या थराली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जनपद में स्थित है विकासखंड घाट, और इसका नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है। घाट विकासखंड का नाम अब हो चुका है नंदा नगर। कब से? तो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो चुका है घाट विकासखंड का जो नाम है वो क्या हो गया, अब नंदा नगर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस व्यक्ति को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के जो हाल ही में चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं वो हैं विपिन सांघी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, और विपिन सांघी उत्तराखंड के 12वें मुख्य न्यायाधीश हैं। विपिन सांघी से पूर्व उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राघविंदर सिंह चौहान, जो कि 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। जब वो रिटायर्ड हुए तो उनकी जगह पर संजय कुमार मिश्रा को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और हाल ही में यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड बनाया गया है विपिन सांघी को, जो कि 12वें मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो कृषि मंत्रालय है उत्तराखंड में वो किसके पास है? तो वो है यहाँ पे गणेश जोशी जी के पास, और इनके पास ग्राम्य विकास मंत्रालय, रेशम विकास मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये मंत्रालय भी इनके पास आते हैं। तो यानी कृषि मंत्रालय भी किसके पास है? गणेश जोशी के पास। तो गणेश जोशी हैं वर्तमान उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्रालय है यहाँ पे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के पास। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री, साथ ही साथ शहरी विकास मंत्री भी कौन है? तो वो हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। उत्तराखंड के मंत्रालय मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखी है कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, उसी वीडियो में दोस्तों मंत्रालय के बारे में भी मैंने डिटेल्स में बता रखा है। तो परसों मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है 2022 जून तक के आंकड़े, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें मैंने आपको वर्तमान में उत्तराखंड में कौन क्या है डिटेल्स वीडियो मैंने वहाँ पे बना रखी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, दुर्गाकोट चोटी किस जनपद में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दुर्गाकोट जो ये चोटी है ये है आपकी बागेश्वर जनपद में स्थित। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बागेश्वर जनपद में जो सुंदर डुंगा घाटी स्थित है वहीं पर स्थित है आपकी दुर्गाकोट चोटी, और इसी दुर्गाकोट चोटी पर हाल ही में कुमाऊं रेजिमेंट ने चढ़ने में सफलता पाई थी, जो कि बागेश्वर की सुंदर ढुंगा घाटी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई? तो जैसे आप सभी जानते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, और कुल कितने सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने? 47 सीटें। देखो बीजेपी ने जीती यहाँ पे 47 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे कितनी सीटें जीती? तो 19 सीटें। उसके बाद BSP ने यहाँ पे 2 सीट जीती, और अदर यहाँ पे जो अन्य हैं उन्होंने भी 2 सीट यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें प्राप्त हुई, बहुमत प्राप्त हुआ, और इसीलिए बीजेपी की सरकार बनी 2022 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में जारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वन आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर एरिया में वृद्धि हुई है? तो 2019 में जो फॉरेस्ट कवर एरिया था उत्तराखंड का वो था दोस्तों
मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, वो था 24,303.04 स्क्वायर किलोमीटर। और 2021 की जो ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, जनवरी 2022 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो बना रखी है। और साथ ही साथ फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है 2021 की उत्तराखंड की, उसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2021 का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है उत्तराखंड का, वो है 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे जो अगर हम वृद्धि की बात करें तो ये हुई है 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। ये देखो यहाँ पे 303 है, यहाँ पे 305 है, पॉइंट में अगर आप लगाओगे तो 09 आ जाएगा। ये तो 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है उत्तराखंड के फॉरेस्ट कवर एरिया में 2019 के मुकाबले 2021 में, जो 2021 की ये रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और यहाँ से जरूर एग्जाम में, आगामी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि जनवरी 2022 में जारी की गई थी, और इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो भी बना रखा है, आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, और ये 17वीं वन रिपोर्ट है उत्तराखंड की, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कोसुआ काथ पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो कोसुआ काथ पुस्तक है दोस्तों ये कुमाऊनी भाषा में लिखी गई है, कुमाऊनी भाषा की ये पुस्तक है कोसुआ काथ पुस्तक। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, और ये पुस्तक है कुमाऊनी कहानियों का एक संग्रह है, इसमें बहुत सारी कुमाऊनी कहानियों को संग्रहित किया गया है। और ये किसकी रचना है, किसकी है ये पुस्तक, तो ये है मथुरा दत्त मठपाल जी की। बी सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसे GI टैग प्रदान किया गया है? GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, और ये GI टैग किसे प्रदान किया जाता है? तो कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसे वहाँ का मतलब उस स्थान की ऐसी कोई वस्तु जिसका एक बहुत ही वहाँ पे भौगोलिक महत्व होता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में होती है। तो जिस प्रकार उत्तराखंड में उत्तराखंड का जो रिंगाल उद्योग है ये भी काफ़ी प्रचलन में है, और ये क्या है यहाँ पे कुटीर उद्योग है, रिंगाल उद्योग। यहाँ पे लोग घरों में रिंगाल लाते हैं और रिंगाल की विभिन्न सामग्रियाँ बनाते हैं और उनका व्यापार भी करते हैं। तो एक तो रिंगाल उद्योग को ये GI टैग प्रदान किया गया, और उत्तराखंड के थुलमा कंबल को भी दोस्तों GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये टैग प्राप्त किया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सही, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ए और बी दोनों। उत्तराखंड के रिंगाल उद्योग और थुलमा कंबल को GI टैग प्रदान किया गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उत्तराखंड खेल मंत्रालय निम्न में से किसके पास है? तो जो खेल मंत्रालय है उत्तराखंड का वो है रेखा आर्य जी के पास। रेखा आर्य जो कि उत्तराखंड की क्या है, खेल मंत्री हैं, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्रालय और युवा कल्याण मंत्रालय ये भी किसके पास है, रेखा आर्य जी के पास है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कब फतह किया? तो हाल ही में दोस्तों 12 मई 2022 को उत्तराखंड की पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल, इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट फतह किया, एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई है। और कब इन्होंने एवरेस्ट फतह किया, 12 मई 2022 को। सविता कंसवाल जो कि जिनका संबंध है पर्वतारोहण से, अब यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि सविता कंसवाल का संबंध किस खेल से है, तो वो है साहसी खेल पर्वतारोहण से इनका संबंध है। और सविता कंसवाल जो कि उत्तरकाशी जनपद की लोथरू गांव की है, और इसके ठीक 15 दिन बाद दोस्तों इन्होंने, जब इन्होंने एवरेस्ट फतह किया उसके ठीक 15 दिन बाद इन्होंने माउंट मकालू का भी सफल आरोहण किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो NTCA की जो ये रिपोर्ट है 2021 की, उसमें उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या है वो है 442। अगर बात करें राज्यों की रैंकिंग की, तो नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, जहाँ पे बाघों की संख्या कितनी है, 526 है। नंबर 2 पे है कर्नाटक, जहाँ पर बाघों की संख्या कितनी है, 524।
और नंबर थ्री पे आ जाएगा अपना उत्तराखंड, 442 यहाँ पे बाघों की संख्या है NTCA की रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक बने हैं? तो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय के जो नए निदेशक बने हैं वो बने हैं डॉक्टर संदीप शर्मा। 1 मार्च 2022 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय के जो पूर्व निदेशक थे वो थे डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक, और वर्तमान में कौन है तो डॉक्टर संदीप शर्मा। काफ़ी डिटेल्स में दोस्तों हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? अभी किया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से यहाँ पे सम्मानित किया गया जनरल बिपिन रावत जी को। अब देखो अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार 2022 की, तो पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, पद्मश्री आता है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया जनरल बिपिन रावत को। उसके बाद तीन महिलाओं को, उत्तराखंड की तीन महिलाओं को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ, तीन महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री, ठीक है। बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मान किया गया, जबकि तीन महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मान किया गया। कौन कौन सी हैं वो? बसंती देवी जिनका संबंध है समाज सेवा से, वंदना कटारिया जिनका संबंध है हॉकी से, और माधुरी बर्थवाल जिनका संबंध है कला से। इन तीन महिलाओं को, उत्तराखंड की इन तीन महिलाओं को सम्मानित किया गया पद्मश्री पुरस्कार 2022 से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में ओखान पुस्तक को एशिया व इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, इस पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ओखान नामक पुस्तक के, वो हैं डॉक्टर वेणीराम अंथवाल, जो कि टिहरी गढ़वाल से हैं। और ओखान आप सभी जानते हैं हिंदी में, जिन्हें हम लोकगीत कहते हैं अपने उत्तराखंड में, उन्हें कहा जाता है ओखान। और बहुत सारी ओखाने उत्तराखंड में, उत्तराखंड में उनका प्रचलन है। अगर आपकी जानकारी में कोई ओखान है, आप किसी ओखान के बारे में जानते हैं, तो ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चल सके कि कौन कौन सी ओखान उत्तराखंड में है। क्योंकि लगातार उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो यहाँ पे संस्कृति उत्तराखंड की, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे पलायन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ओखाने जो कि बहुत ही कुछ सीखने को दे देती थी हमें, और उनका मतलब बहुत सटीक अर्थ उनका दोस्तों होता था, जो कि हमारे रियल लाइफ से संबंधित थे, बहुत सारी ओखाने जो कि हमारे बुजुर्ग बोलते थे। तो डॉक्टर वेणीराम अंथवाल की पुस्तक है ओखान, जिसको एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो संगीता किरोला, जो कि अल्मोड़ा की धाविका है संगीता किरोला, और इन्होंने नेपाल में आयोजित 5वीं इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 1500 मीटर दौड़ में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता। और ये प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी 28 से लेकर 31 जनवरी 2022 को। इसमें 1500 मीटर की दौड़ में संगीता किरोला ने स्वर्ण पदक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, उत्तराखंड का नवा नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया? तो उत्तराखंड का जो नवा नगर निगम बना है वो बना है श्रीनगर गढ़वाल, और श्रीनगर गढ़वाल को नवे नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? तो 31 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर बना उत्तराखंड का नवा नगर निगम। अब अगर बात की जाए कि उत्तराखंड के नौ नगर निगम कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे नोट कीजिए, मैं सीधे बोल रहा हूँ यहाँ पे, नंबर 1 है देहरादून, दूसरा है हल्द्वानी, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है रुद्रपुर, पांचवा है काशीपुर, छठा है रुड़की, सातवां है ऋषिकेश, आठवां है कोटद्वार, और नवा जो नगर निगम है उत्तराखंड का वो बन चुका है श्रीनगर गढ़वाल। यानी उत्तराखंड में टोटल कितने नगर निगम हो चुके हैं? नौ नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022
में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो जीता है लक्ष्य सेन ने। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार देवभूमि उत्तराखंड की कौन सी झांकी नजर आई? तो 2022 में जो गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड हुई तो उसमें उत्तराखंड की डोबरा चांटी पुल की झांकी वहां पे नजर आई थी। इससे पहले 2000 अगर हम 21 की बात करें तो 2021 में केदारनाथ धाम की वहां पे झांकी प्रदर्शित की गई थी, कब? 2021 में। जबकि 2000 अगर 19 की हम बात करें, 2019 की, तो 2019 में अनासक्ति आश्रम जो कि कोसानी में स्थित है इसकी झांकी प्रदर्शित की गई थी राजपथ पर। 19 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलाश भट्ट का निधन मार्च 2022 में हो गया है, वे थे? तो कैलाश भट्ट थे दोस्तों एक लोक शिल्पी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, कैलाश भट्ट जो कि गोपेश्वर के लोक शिल्पी थे और इनका निधन हुआ 14 मार्च 2022 को, और इन्होंने पहाड़ी टोपी को दोस्तों एक खास पहचान दिलाई थी कैलाश भट्ट जी ने, जो कि एक लोक शिल्पी थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई वो चुनी गई हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट क्या है? तो ये एक पर्वतारोही हैं, पौड़ी जनपद से इनका संबंध है और 1981 में इन्होंने नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई की थी और उसके बाद 1984 में ये एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य भी रह चुकी हैं। 1981 में ही इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और हाल ही में यहाँ पे ये इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हर्षवंती बिष्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, शैलेश मटियाली पुरस्कार 2021 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो 13 शिक्षकों को सम्मानित किया गया शैलेश मटियाली पुरस्कार 2021 से। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी कौन है? ये उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार 2020 के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2020 में, और ये हेस्को के संस्थापक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों, हेस्को के संस्थापक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और हेस्को यानी हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन। ये कहाँ स्थित है आपका? तो ये है देहरादून में स्थित। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, राज्य के किस जनपद में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा? तो चमोली जनपद में खोला जाएगा राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान, क्योंकि चमोली जनपद की अगर हम बात करें तो आपदा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। पिछले साल 2021 में ही वहाँ पे ग्लेशियर टूटने की वजह से वहाँ पे आपदा आई थी रेणीगांव में, और ऐसी बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है चमोली जनपद को, तो इसलिए यहाँ पे राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा चमोली जनपद में। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में जारी हुआ चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो कि जारी किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा, और ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है? वहाँ के मानव संसाधन को देखते हुए, अनुपालन को देखते हुए खाद्य परीक्षण किया जाता है उस राज्य का, और उपभोक्ता सशक्तिकरण किस प्रकार का है, इन आधारों पर दोस्तों ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। अगर बात करें बड़े राज्यों की श्रेणी में तो उत्तराखंड को यहाँ पे 7वां स्थान प्राप्त हुआ। बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप राज्यों की अगर बात करें तो नंबर 1 पे रहा है तमिलनाडु, नंबर 2 पे रहा है गुजरात, ये बड़े राज्यों की श्रेणी में है, ठीक है, और नंबर 3 पे रहा है महाराष्ट्र, और 7वें नंबर पे
कौन रहा है तो उत्तराखंड को भी बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है और बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें छोटे राज्यों की श्रेणी तो नंबर वन पे रहा है गोवा। नंबर वन पे कौन रहा है दोस्तों? गोवा रहा है। नंबर टू पे रहा है मणिपुर और नंबर थ्री पर रहा है सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो नंबर वन पर जम्मू कश्मीर रहा है, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे चंडीगढ़। तो उत्तराखंड को चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड जनवरी 2022 से लेकर 22 से लेकर जून 2022 तक की संपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको उत्तराखंड की अगर चाहिए तो ई बुक आ चुकी है दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उत्तराखंड जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक की संपूर्ण करंट अफेयर्स ई बुक का। उसमें आपको डिटेल्स में उत्तराखंड करंट अफेयर्स मिल जाएगा, चर्चित व्यक्ति, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएँ, प्रमुख लोकार्पण, उद्घाटन, चर्चित व्यक्ति हो गया और वन लाइन उसमें मिल जाएंगे, MCQ उसमें मिल जाएंगे, प्रमुख सूचकांक उसमें आपको मिल जाएंगे और वन रिपोर्ट की PDF उसी में आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी कुछ उसमें दिया गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अब देखो ये सिर्फ पद्म पुरस्कारों की बात कर रहा है, ठीक है। अब पद्म पुरस्कारों में क्या क्या आते हैं? पद्म विभूषण भी आता है, पद्म भूषण भी आता है और पद्मश्री भी आता है। तो पद्म पुरस्कार टोटल जो 2022 में मिले हैं उत्तराखंड को, टोटल 4 पुरस्कार। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। अब किन किन 4 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार मिले हैं ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पहले भी इसी प्रकार का एक प्रश्न बना था। तो बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद बसंती देवी जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका संबंध समाज सेवा से है। तीसरी हैं वंदना कटारिया, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार। और चौथी हैं माधुरी बर्तवाल, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार। यानी 3 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार और जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण पुरस्कार, यानी टोटल 4 व्यक्तियों को मिले हैं पद्म पुरस्कार 2022। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT कहाँ स्थित है? श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। श्रीनगर के नए निदेशक कौन बने हैं? तो NIT के जो नए निदेशक बने हैं प्रोफेसर ललित अवस्थी बने हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है P11NYIA, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के शोध छात्रों द्वारा ये क्षुद्र ग्रह की इसकी खोज की गई, जिसका नाम क्या है? P11NYIA है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर, 28 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा, और कब शुरू की गई है ये इम्पोर्टेंट है। तो 8 दिसंबर 2021 को, और कहाँ से शुरू की गई? देहरादून से। किसके द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई 8 दिसंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर एरिया सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो फॉरेस्ट कवर एरिया उत्तराखंड के किस जनपद का है? तो वो है पौड़ी गढ़वाल का। पौड़ी गढ़वाल का जो वन आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है 3,396.71 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर, यह है पौड़ी का। और सबसे कम किसका है? तो वो है उद्धम सिंह नगर का, कितना है? मात्र 428.08 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र किस जनपद का है? पौड़ी जनपद का है। और सबसे कम किसका है? उद्धम सिंह नगर का है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से उत्तराखंड की किस महिला को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा गया?
तो समाज सेवा के क्षेत्र में ये दिया गया बसंती देवी को पद्मश्री पुरस्कार 2022। किस क्षेत्र में? तो समाज सेवा के क्षेत्र में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो UKPSC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार से पूर्व UKPSC के जो अध्यक्ष थे वो थे आनंद सिंह रावत, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? UKPSC के NP नवानी थे, और वर्तमान में कौन है UKPSC के अध्यक्ष? डॉक्टर राकेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो रंजना प्रकाश देसाई, बी ऑप्शन हो जाएगा 33 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस राज्य के रिंगाल उद्योग को GI टैग प्रदान किया गया? तो रिंगाल उद्योग उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध उद्योग है, और इसको GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया, और यह है उत्तराखंड का एक प्रमुख उद्योग। क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई 8 दिसंबर 2021 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। और कहां से शुरू की गई? देहरादून से शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में दोस्तों ये राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया था, और उत्तराखंड की तरफ से जौनसारी संस्कृति दल ने इसमें प्रतिभाग किया था, और उत्तराखंड जौनसारी संस्कृति दल को इस राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की पहली तरल दर्पण उत्तराखंड के किस जनपद में स्थापित की गई? तो भारत की जो पहली तरल दर्पण स्थापित की गई उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में, और ये है भारत की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT, इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भारत की प्रथम तरल दर्पण उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थापित की गई, जो कि जानकारी देगी अंतरिक्ष में घट रही घटनाओं के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इस दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो मैं आपको ये वीडियो यहाँ पे ये है, इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए विद आंसर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड के किस धाम को हॉट सिटी बनाया जाएगा? तो केदारनाथ धाम को बनाया जाएगा हॉट सिटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ये 39 दो बार लिखा गया और 38 मिस हो गया, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे 39 की ओर, उत्तराखंड की उत्तरकाशी यमुना घाटी से सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी मानव प्रतिमा मिली, यह इस प्रतिमा का मुख किसके आकार का है? यानी दोस्तों देखो, उत्तरकाशी की यमुना घाटी से मिली है एक मानव प्रतिमा, जिसको ये बताया गया है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता काल की है, और इस प्रतिमा का जो मुख है वो किसके आकार का है? तो वो है महिष के आकार का। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 39 का सही आंसर। और ये कहाँ से मिली है? तो उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी के बर्नीगाड़ से, बर्नीगाड़ से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वहाँ पे देवल गांव है उत्तरकाशी में, तो वहाँ से एक सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी मानव प्रतिमा मिली है, जिसका जो मुख का आकार है वो है महिष यानी भैंसे के आकार का। सी ऑप्शन हो जाएगा 39 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के कितनेवें राज्यपाल हैं? तो 8वें राज्यपाल। अगर बात की जाए उत्तराखंड के टोटल 8 राज्यपालों की, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत बरनाला, दूसरे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल, और तीसरे राज्यपाल थे बनवारी लाल जोशी यानी BL जोशी,
चौथी राज्यपाल थी मार्गरेट अलवा, जो कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, मार्गरेट अलवा। पांचवें राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, छठे राज्यपाल थे के पॉल, कृष्णकांत पॉल, और सातवें थे बेबी रानी मौर्य, जो कि उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी। और आठवें राज्यपाल वर्तमान में हैं गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से पद्मश्री पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? प्रेमचंद शर्मा, डॉक्टर योगी एरन, डॉक्टर अनिल जोशी या माधुरी बड़थवाल। तो डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया माधुरी बड़थवाल जी को। अब जो ये अन्य नाम है यहाँ पे, ये व्यक्ति भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। जो प्रेमचंद्र शर्मा हैं, ये एक किसान हैं और 2021 के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर योगी एरन डॉक्टर हैं और इनको 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और डॉक्टर अनिल जोशी हैं, अनिल प्रकाश जोशी, इनको भी 2020 के लिए पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को 2020 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जबकि जो माधुरी बड़थवाल है, इनको 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उत्तराखंड के, चंद्रशेखर भट्ट। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? वो है चंद्रशेखर भट्ट। और प्रथम कौन थे? दुर्गेश जोशी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता निम्न में से कौन है? तो उत्तराखंड के जो वर्तमान महाधिवक्ता है वो है सूर्य नारायण बाबुलकर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, निम्न में से वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तराखंड के यशपाल आर्य। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जबकि प्रथम निर्वाचित सरकार के जो नेता प्रतिपक्ष थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी, और दूसरी जो निर्वाचित विधानसभा थी उत्तराखंड की, उसके जो नेता प्रतिपक्ष थे हरक सिंह रावत थे। और वर्तमान में कौन है नेता प्रतिपक्ष? वह है यशपाल आर्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तराखंड की बसंती देवी को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो बसंती देवी जी को समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। टी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किस विधानसभा सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ा? जैसे आप सभी जानते हैं कि इस समय 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी पार्टी को तो बहुमत मिला था, लेकिन जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो चुनाव हार गए थे खटीमा सीट से। और 6 महीने के अंतर्गत उपचुनाव कराना होता है, और उपचुनाव इन्होंने लड़ा था चंपावत सीट से और वहाँ से ये जीत गए थे। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 से, श्रीनगर गढ़वाल को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो श्रीनगर गढ़वाल को मिला नगर निगम का दर्जा 31 दिसंबर 2021 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और श्रीनगर गढ़वाल जो कि उत्तराखंड का नवा नगर निगम है, यानी उत्तराखंड में टोटल कितने नगर निगम हैं? 9 नगर निगम है वर्तमान में। 48वां है, उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई? उत्तराखंड की जो 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई थी वो जारी की गई 13 जनवरी 2022 को। किसके द्वारा जारी की गई, यानी जारीकर्ता कौन थे इस वन रिपोर्ट के? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2022 को उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। और 17वीं वन रिपोर्ट में दोस्तों मैंने डिटेल्स में इस पर वीडियो बना रखा है, कितना यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है वर्तमान में उत्तराखंड का, प्रत्येक जनपद का कितना कितना फॉरेस्ट एरिया है, कौन से जनपद का ज़्यादा है, कौन से जनपद का कम है, किस प्रकार के वन उत्तराखंड में सर्वाधिक पाए जाते हैं, अति सघन वन, मध्यम सघन वन या झाड़ीदार वन, तो इस प्रकार के संपूर्ण फैक्ट मैंने उस वीडियो में आपको बता रखे हैं। तो उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021, आप सर्च कीजिए उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट 2021 या उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बाई जरदारी क्लासेस, सबसे ऊपर आ जाएगी यूट्यूब में हमारी वीडियो।
और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए 17वीं वन रिपोर्ट 2021 उत्तराखंड की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तराखंड में किस प्रकार का सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वहाँ पे किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पहले उत्तराखंड के फॉरेस्ट एरिया की, तो उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% भाग क्या है, फॉरेस्ट कवर्ड है यानी वन आच्छादित क्षेत्र है। और इस 45.44% में से 23.87% क्षेत्रफल पर क्या है, मध्यम सघन वन है यानी मिड डेंस फॉरेस्ट है। तो यानी उत्तराखंड में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है, तो मध्यम सघन वन उत्तराखंड में सर्वाधिक पाए जाते हैं 23.87% क्षेत्रफल पर। तो ये है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, नहीं उसके बाद है ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं 12.12% क्षेत्रफल पर। और इसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी अति सघन वन पाए जाते हैं 9.45% क्षेत्रफल पर। और उसके बाद जो झाड़ीदार वन है वो 0.73% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। तो काफ़ी डिटेल्स में मैंने आपको उस रिपोर्ट में बता रखा है, उसको आप यूट्यूब में ज़रूर देखें। 49 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है, मध्यम सघन वन, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 की, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर एरिया वाला जनपद कौन सा है, तो वो है आपका पौड़ी गढ़वाल, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर हम टॉप फोर की बात करें, टॉप फोर की, तो नंबर वन पर है पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद नंबर टू पर है नैनीताल, जहाँ पे सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में। नंबर थ्री पे आ जाएगा उत्तरकाशी, और नंबर फोर पे आपका आ जाएगा चमोली। और लास्ट की बात करें अगर पांचों की, तो सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है, इधर मैं सबसे कम की बात करूँ, ठीक है, ये है कम और ये है अधिक, तो सबसे कम है उधमसिंह नगर में मात्र 428.08 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर टू पे आपका हरिद्वार आ जाएगा जो शहरी जनपद है, ठीक है। नंबर तीन पर है रुद्रप्रयाग, क्योंकि रुद्रप्रयाग का वैसे भी क्षेत्रफल बहुत कम है तो उसके कारण। और चौथे पे आपका क्या है, चंपावत है। तो टॉप फोर ये बता दें मैंने, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली। और नीचे से अगर टॉप फोर की बात की जाए, सबसे कम है जहाँ पे उधमसिंह नगर में सबसे कम, उसके बाद हरिद्वार में है रुद्रप्रयाग और चंपावत, ये नीचे से टॉप जनपद हैं सबसे कम जहाँ पे क्या है फॉरेस्ट कवर यानी वन आश्रित क्षेत्र है उत्तराखंड में। तो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर एरिया किस जनपद का है, तो वो है पौड़ी गढ़वाल का। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड का सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र वाला जिला अभी मैंने आपको बता दिया है कौन सा है, तो वो है आपका उद्धम सिंह नगर, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। और उद्धम सिंह नगर का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है मात्र 428.08 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि पौड़ी का कितना है 3396.71 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किस जनपद का 1%, अब देखो एक तो हो गया फॉरेस्ट कवर एरिया वन आश्रित क्षेत्र, लेकिन ये पूछ रहा है 1% सर्वाधिक किस जनपद का है, तो वो डिपेंड करेगा कि उस जनपद का स्वयं का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है और उसके आधार पर उसका फॉरेस्ट कवर्ड एरिया कितना है। तो उस वीडियो को आप दोस्तों ज़रूर देखें एक बार, काफ़ी डिटेल से मैंने उसमें फैक्ट के माध्यम से आपको समझा रखा है। तो अगर बात करें सर्वाधिक 1% जो क्षेत्र है किस जनपद का है, तो वो है नैनीताल का, देखो यहाँ पर नैनीताल आगे है, नैनीताल का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है टोटल नैनीताल के भौगोलिक क्षेत्रफल के 71.62% क्षेत्रफल पर क्या है वन पाए जाते हैं यानी फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। तो नंबर वन पर है नैनीताल, नंबर टू पर है चंपावत है, और तीसरे नंबर पर आता है पौड़ी, और चौथे पे वो कौन है, वो है रुद्रप्रयाग। 53 है, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड का ट्री कवर एरिया यानी वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, तो अगर बात की जाए ट्री कवर एरिया की, तो उत्तराखंड में जो ट्री कवर एरिया है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो वो है 1001 वर्ग किलोमीटर, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और 2017 की जो वन रिपोर्ट थी उसमें जो ट्री कवर एरिया था उत्तराखंड का वो था 767 स्क्वायर किलोमीटर,
उसके बाद 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें 841 स्क्वायर किलोमीटर था और 2021 की रिपोर्ट में ये था 1001 स्क्वायर किलोमीटर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्री कवर एरिया यानी वृक्षावरण कितना है उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो वो है 1001 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जनपद के वन आच्छादित क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है? तो कमी और ज़्यादा अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जो कमी हुई है वो हुई है उधम सिंह नगर में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर बात की जाए 2019 के मुकाबले में, 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके मुकाबले में 2021 में देखा जाए तो उधम सिंह नगर में -3.71 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एरिया में कमी देखने को मिली है 2021 में 2019 के मुकाबले। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक कमी हुई है फॉरेस्ट कवर एरिया में, किस जनपद के फॉरेस्ट कवर एरिया में कमी हुई है, तो वो हुई है उधम सिंह नगर के फॉरेस्ट कवर एरिया में, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2019 के मुकाबले वन रिपोर्ट 2021 में कितना वन आश्रित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है? तो बढ़ोतरी की बात की जाए तो जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है दोस्तों यहाँ पे 2.09 वर्ग किलोमीटर 2019 के मुकाबले 2021 में, जो फॉरेस्ट कवर एरिया में उत्तराखंड के फॉरेस्ट कवर एरिया में कितनी की बढ़ोतरी हुई है 2.09 वर्ग किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड का कुल वन आच्छादित क्षेत्र यानी फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है? तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तराखंड का टोटल वन आच्छादित क्षेत्र है वो है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल का वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर एरिया वाला जनपद है पौड़ी गढ़वाल और इसका जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है 3,396.71 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जबकि सबसे कम है उधम सिंह नगर का 428.08 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये थे दोस्तों टॉप 57 क्वेश्चन करंट अफेयर्स 2022 जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक के टॉप 50+ क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको कवर करा दिए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और बाकी उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर्स पिछले 6 मंथ का या पिछले साल का 2021 का संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स यदि आपको चाहिए या इंडियन करंट अफेयर्स चाहिए 2021 का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कीजिए dardhariclasses.in, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स कौन सा कोई भी आपको करंट अफेयर चाहिए 2021 का चाहिए या 2022 का चाहिए, पिछले 6 मंथ का जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक का उत्तराखंड का, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। dardhariclasses.in वेबसाइट आपको गूगल पे सर्च करनी है, यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।